कि जो सिंधवारी जगह है वहाँ पे जो वारदात हुई है, जो हत्या हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो समुदाय है, जो विशेष समुदाय है, उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग लगातार अपनी बातों को रखते ही हैं। हम मतलब बात करेंगे, बंटू सिंह हैं, इनसे बात करेंगे हम वहीं को लेकर के। बंटू जी, गया में जो सिंधवारी जगह है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो वारदात हुई है, क्या मानेंगे? इस लॉकडाउन में भी कहीं ना कहीं जो है अपराधी बेखौफ हैं और घटना को अंजाम अपने तरीके से देते हैं, या फिर कोई साजिश है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये साजिश भी है। इस साजिश का हम पर्दाफाश भी अभी हम करेंगे। क्या साजिश है इसमें जो गया में हत्या हुई, और इसको क्या रंग देने का कोशिश किया गया जो रंग नहीं पकड़ सका। अब जो ओरिजिनल बात थी वो सब मार्केट में चली आई। ये जो सिंधुआरी में जो हत्या हुआ है, चार लोग को गोली मारी गई, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी भी PMCH में हैं। ये जो है सो कि हत्या करके इसको भूमियार और जादव का पहले रंग देना चाहा ये जदयू वाला लोग, क्योंकि देख रहा है कि जदयू में जो है सो कि जदयू में बहुत ज्यादा खलबली मचा हुआ है कि अब जनता जो है समझ गई है, सब एकजुट हो रही है, कोई जात पात नहीं देख रही है। तो ये करके, ये हत्या करवा के वहां का एक जदयू विधायक है, जदयू का पदाधिकारी था कोई, विनोद क्या क्या नाम है, उस सब का नाम नहीं जानते हैं, कुत्ता बिलाई का, वो सब जो है सो कि ये काम करके इसको रंग देना चाहा। मगर हम बता देना चाह रहे हैं एक बात, आज सरकार का जो एक मंत्री है उसका जो वायरल है, जो चल रहा है, विधायक जी को कह रहा है कि बड़का मूछ वाला कहाँ गया। अरे, जिसको मोछे भगवान नहीं दिए, मोछ वाला मर्द ना होता है, मोछ मुंडा मर्द होता है। तुम्हारा मुख्यमंत्री मोछ मुंडा, तुम मोछ मुंडा, सब तो मोछ मुंडे है। तो मेरा ये इस पर कहना है कि आज मोछ वाला रहता ना तो ये सब चीज नहीं होता। आप पता अभी तुरंत सिंधुआरी चल जाते, और क्या होता सो तो पते चल जाता। इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग सब लोग राजनीति कर रहा है। विधायक जी का आप याद कीजिए कि 2014 में पुटू सत्याकांड हुआ था, उसमें भी विधायक जी नहीं थे, कोई FIR में नाम नहीं दिया था, उस समय भी यही हुआ था, रंग दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा और उनके जो अगल बगल लोग के नहीं। बट्टू द्वारा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं जिनको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? मतलब कहीं ना कहीं ये लॉ ऑर्डर का डिफॉल्ट है, फिर राजनीतिक रंग देने की बात, मतलब आप कह रहे हैं इसके पीछे आपका तथ्य क्या है? जैसे कि राजनीतिक रंग नीतीश कुमार का जमीन खिसक चुका है, पहली बात। आप तो देख ही रहे हैं कि एक वो जनता कोई शुद्ध शब्द उसके बारे में बोल नहीं रहा है, सब तो अशुभे शब्द बोल रहा है। आप लोग दिन भर मीडिया वाले लोग हैं, कवरेज करते आ रहे हैं, आप लोग तो खुद जान रहे हैं कि कौन जनता क्या बोल रहा है उसके बारे में। तो उसका जमीन जो खिसक गया है, उसके बारे में यही सब चीज अब करवा के सोच रहा है कि राजनीति को यहाँ दूसरा माहौल दे, यहाँ दूसरा माहौल बना करके और फिर हम लोग चुनाव में कूदें। जब भी चुनाव हो, चुनाव तो होवे ना करेगा, चुनाव में कूदें। तो इसके लिए जो है सो कि पहले सुन लीजिए, इसके लिए जो है सो कि ये राजनीतिक रंग अब यहाँ चलने वाला नहीं है। जनता इतना बेवकूफ नहीं रह गया। देना चाह रहे हैं कि जदयू वाले लोग को, कि सुन लो जदयू वाले लोग, यहाँ लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठल है, समझ गए ना? एक बात आओ बता दे रहे हैं, जिस दिन अनंत बाबू जेल से छूटे ना, उस दिन सबसे पहले ये लोग से मिलेंगे। और इस बात की भी चिंता नहीं कीजिए कि जो लोग मरा है परिवार, उसका जो भी बेटी उटी है, उस सबका शादी में भी मदद करेंगे हम लोग। इतना लिख लीजिए, जिस दिन भी उन लोग का शादी का बात आएगा, उस दिन हम लोग खड़ा रहेंगे। अभी हम लोग पर भी बहुत खतरा है, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी स्थिति खराब है। मुजफ्फरपुर में हत्या हुआ 4 गो, बाढ़ में हत्या हुआ, सब जगह आज भी हत्या 2 गो हुआ है, सब जगह हत्या हो रहा। हम तो पहले ये बता देना चाह रहे हैं कि कौन सी सरकार है, जो सरकार चमकी बुखार से नहीं लड़ा, जो सरकार बाढ़ से नहीं लड़ती है, जो सरकार मजदूरों, बिहारी मजदूरों को वापस नहीं ला सकती है, बिहार के लोग को बाहर से नहीं ला सकती है, ये कौन सी सरकार है रे भाई? हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं, ये कौन चीज मुश्किल वक्त में ये लड़ा है, जब बता दीजिए तो हमको। यहाँ का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बाढ़ भी आया था तो चुपचाप घर में बैठ गए थे, चमकी बुखार भी आया तो एक दिन गए चुपचाप बिना बोले फिर घर में बैठ गए, कोई चीज भी यहाँ होता है चुप हो जाते हैं कि नहीं, पहले इसका हमको बताइए।
सब कुछ चुप हो जाते हैं। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए इन लोग का विधायक जी के प्रति कितना मानसिकता है कि 3 दिन में ऑडियो वायरल करके सब कुछ करके 47 वहां रखवा करके तुरंत इनका जेल और स्पीडी ट्रायल और फलना चिलना करता है। आवाज साले तुमको नहीं मिल रहा है उसका राइफल बंदूक हैं, हमको सिखाते हो? होश में रहिए, होश में अभी रुक जाइए। अभी जो आप लोग ये राजनीतिक रंग देना जो चाह रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। और जो हमारे विधायक जी को जो जेल में जबरदस्ती जो डाले हैं, समय आएगा जो जो लोग इसमें जेल में डालने का काम किया है एक व्यक्ति भी बाहर नहीं रहेगा, सबको एक दिन जेल जाना पड़ेगा। देखिएगा हम चैनल पर आके उसी दिन फिर बोलेंगे, जैसे कि मैंने परसों बयान दिया कि जो लड़का कोर्ट में मर्डर करने के लिए हमारा आया था और विधायक जी का मर्डर जिसका हम खुलासा किए कि वो ललन सिंह का शूटर था, जो माननीय सांसद और नीरज कुमार मंत्री का शूटर हमको मारने के लिए आया था, वो आपको हम खुलासा करिए दिए, सारा जानकारी दिए दिए। यही बात है। और जो पूछना है आप पूछिए। मंडू जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है लोग अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बातें को आप लोग रख भी रहे हैं, आप लोग के तरफ से अभी तक क्या आप लोग परिजन से बात किए, परिजन ने क्या कहा, क्या कुछ हुआ है? देखिए अभी हम परिजन से क्या बात करें बेचारे लोग से, हम तो बात करने के लिए भी नहीं, हमारे लोग वहाँ जो हैं अगल बगल सब हमको बताए हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अभी अरुण बाबू, अखिलेश बाबू ये सब गए थे वहाँ पर, तो लोग अभी जाइए रहे हैं, तो हमको क्या जाने से अति होगा, होगा करके दिखाने से होगा। जो करके दिखाता है वही असली मर्द होता है, समझ गए ना? जाएंगे अभी क्या करेंगे, जब उसका समय आएगा, उसका बेटी है और लोग है, उन लोग को हम लोग मदद करेंगे। देखिएगा आप उस दिन भी आइएगा तो उस दिन दिखाएंगे कि देखिए हम लोग मदद करते हैं कि नहीं। माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू आज तक हर समय खड़ा रहे हैं, कभी भी कोई मुख्यमंत्री कुछ खिलाफ बोला तो उस समय अनंत सिंह ने ही अकेला बयान दिए थे, कभी भी कुछ हुआ है उस समय अनंत सिंह अकेले बयान दिए हैं, सब लोग के साथ खड़ा रहे हैं। वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, वो एक साथ रहते हैं। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना बता देना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े नेता कहाँ गए जो बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहे हैं, कहाँ चला गया सब? वो लोग आदमी नहीं था क्या? हो गया रे भाई, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी जो है सो कि मछली और दारू पीता है, हैं? ये कोई मजाक जो बना के रखे हुए अभी बिहार को, अरे बिहारी का कोई इज्जतो रह गया है? मंडू जी, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पे आप तमाम जो है आप सवाल उठाते रहते हैं, आपके पास जो गार्ड था वो कहाँ है? गार्ड तो मेरा ललन सिंह छिनवा दिया, मेरा जो बॉडीगार्ड था सरकारी जो हमको डीजीपी साहब दिए थे, वो तो ये ललन सिंह छिनवा दिया। हम परसों आप कैसे कह सकते हैं जो छिनवा दिया, मतलब आपके पास गार्ड था, आप गार्ड के बारे में बताइए, तो आप ये करें छिनवा दिया तो आखिर कैसे छिनवा कैसे दिया? जब ये नया एसपी साहब आए तो जो लाइन बाबू थे जिनसे बात किए हम पुलिस लाइन में, वो कहें कि एसपी साहब आपका गार्ड खत्म कर दिए। अब एसपी साहब बोलेंगे तब आपको गार्ड मिलेगा। हम एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब तो ऐसा बतियाएं कि आपको ही बोलेंगे तो हंसी आएगा। हम परसुओं बोल चुके हैं, उन्होंने मेरा हाथ देखा, मेरा रेखा देखा, हमको कहा किसने? एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा। हाथ क्यों देखा आपका? आपका हाथ का उनसे जाके पूछे कि आप हाथ देखे थे? वहां पर 2 आदमी आओ थे, उनको भी हम नाम जानते हैं, क्रिया कसम खिला के उनसे कही हाथ देखे, उसके बाद कहे कि हत्या तो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हत्या हो सकता है, इंदिरा गांधी का हत्या हो गया, राजीव गांधी का हत्या हो गया। तो जो एसएसपी ऐसी बात बोल रहा है तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे, उनसे लॉ एंड ऑर्डर का क्या उम्मीद हम रखेंगे, हैं? उनको तो चाहिए जो जनता है उसका सुरक्षा। हम कहे सर आप एक आईपीएस हैं सर, तो नहीं नहीं हम तो किसी को नहीं अथी करते हैं, ऐसे आपका हाथ में कुछ नहीं, आपका आयु बहुत लंबा है, आप 80 साल तक जिंदा रहिए, यही एसएसपी साहब बोले। हम फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम डीजीपी साहब को फोन सोचे हैं कि लगाएंगे, लगा के उनको हम सारी बात के घटनाक्रम की जानकारी देंगे। देखिए पिछले बार हमको डीजीएपी साहब दिए थे और गरिमा मलिक एसएसपी साहिबा दी थी, और अभी फिर हम लगाएंगे उनसे, फिर बात करेंगे। मंडू जी, आपके जो विधायक हैं वो जेल में बंद हैं, इस लॉकडाउन में कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है इसमें क्षेत्रीय जनता के लिए क्या क्या आप लोगों ने किया है विधायक जी की तरफ से? देखिए हमको जितना औकात था, हम लोग को जो मेरा कार्यकर्ता लोग भी क्षेत्र में, वो सब लोग हम लोग किए। बाहर में जो मजदूर फंसे थे, कितनों को कोई कुछ ज़रूरत थी, दिल्ली में, बेंगलोर में, आपको सूरत में, सबका हम लिस्ट रखे हुए हैं, सबका नाम, सब लोग, कितना लोग तो वापस भी चले आए, कितना लोग तो वापस अपना अपना घर भी चले आए। सबका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था उसमें कराने में विधायक
उन्होंने मदद किया हमको वो कंप्यूटर पर सबका आधार कार्ड ले लेके, जितना हो सका हम लोग उतना मदद किए, क्षेत्र में भी मदद किए। आज क्षेत्र में ये जो कृषि वाला जो पैसा का अथी बंडर चल रहा है उसमें जदयू का जो कुछ पदाधिकारी गण है वो लोग कमीशन मांगता है कि 2000 हमको दो, 3000 हमको दो, नहीं तो हम नीरज मंत्री से फ़ोन करा देंगे। और नीरज मंत्री वो भी ऑडियो हम वायरल करेंगे, नीरज मंत्री कहता नहीं नहीं जो हमारा कार्यकर्ता लोग है उसी को दो पैसा, और किसी को मत दो, उसी को एगो पत्नी के नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो। यही सब चल रहा है बंदर बात, आप तो देख ही रहे हैं, हमारा क्षेत्र में जाके घूमिए कि कितना सब बंदर बात किए हुए हैं। अंतिम सवाल फिर मेरा वही रहेगा, सरकार से क्या मांग करते हैं जो लोगों के साथ वहाँ आपका कहना है, जो मतलब वहाँ पे जो उन लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, आपने कहा जो कहाँ है कई लोग जो अभी तक चुप हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे जो अपराधी के बारे में कहा जा रहा है जब मतलब पकड़ा गया है, बाकी और क्या मांग करेंगे ताकि इस तरह की जो घटनाएँ लोग खुलेआम अंजाम देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को जो है मतलब ताक पर रखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अब है उसको जो जदयू का विधायक है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे, हमारा विधायक जी को भेजा था, FIR में नाम भी नहीं था, उसका सबसे करीबी आदमी है, उसके घर पर छापा मारे, हथियार बरामद करे। और इस सरकार से हम कोई मांग नहीं करते, ये सरकार है, ये बिहार में सरकार है, महाराष्ट्र में बिहारी को लाठी खिलवा दिया, सूरत में खिलवा दिया, हरियाणा में खिलवा दिया, बिहारी का कोई इज्जतों बचा है जी? आप बताइए ना, कहता था बिहारी कहने पर गर्व होता है, गर्व होता है, सब मजदूर को लुलवाता है, कहता है कि देखो तुम्हारा कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा है, तुम लोग को पूछता भी नहीं, ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहने लगा अभी तो जनता इसको बताइए देगा, अभी ये अभी तो इसको देखिए ना धीरे धीरे क्या होता है अभी आगे आगे। ये हमारे साथ महकुमा विधायक अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह जी थे जो अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे HD News। नमस्कार।